हेलो वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तस्खीर। इस वीडियो में मैं रिएक्ट कर रहा हूं पाकिस्तानी टीवी होस्ट हु वर किक्ड आउट ऑफ शोज बिकॉज ऑफ देयर स्टूपिड ब्लंडर्स, मतलब उनके कुछ कारनामों की वजह से, ऐसे कारनामे जिनकी वजह से उनको लात मारकर भगा दिया गया शो से या फिर उनको निकाल दिया गया। तो चलिए बना देर ये स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ये इंटरेस्टिंग वीडियो इसमें कौन कौन शामिल है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। जितने टॉर्चर से मैं गुजरी हूँ, जितने पेन से मेरे बच्चे गुजरे, जितनी पेन से मेरी माँ मेरा बाप गुजरा है, मैंने किया क्या? मैं दो बड़े चैनल्स की लड़ाई में मुझे किधर से क्या भाई, मैं तो अपना कमा रही हूँ, अपने बच्चों के साथ बहुत खा रही। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बाज़ औक़ात इंसान शोहरत की बुलंदियों पर उड़ा होता है और उसका गुरूर और तकब्बुर भी उरूज पर होता है, क्योंकि वो सोचता है कि जिस शो को मैं होस्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ उस शो से मुझे कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि मेरे ताल्लुकात चैनल के हेड तक हैं और वो अपनी दुनिया में खुद ही खड़पैंच बने होते हैं। लेकिन जाने अनजाने में उनसे ऐसी गलती सरजद होती है जिसकी वजह से ना सिर्फ उनको शो से निकाला जाता है बल्कि उस शो को भी बंद कर दिया जाता है और सजा के तौर पर उस चैनल को भी कई दिनों तक बैन कर दिया जाता है। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं कुछ ऐसे ही मेजबानों और शोज के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में सुनकर आप काफी हैरान होंगे। तो मजीद आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज मत भूलिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे शाइस्ता लोधी। शाइस्ता लोधी पाकिस्तान की बहुत बड़ी टीवी होस्ट हैं और आजकल तो वो हमें ड्रामों में अदाकारी करते हुए भी नजर आ रही हैं। शाइस्ता लोधी वैसे तो पेशे के लिहाज से डॉक्टर हैं, लेकिन अपने भाई साहिर लोधी की तरह हमेशा से इनको होस्टिंग का बहुत शौक रहा। अच्छा। और इन्होंने अपने होस्टिंग कैरियर का आगाज ARY के मॉर्निंग शो से किया और कुछ अर्से बाद जियो ने जब नादिया खान को बैन किया तो शाइस्ता लोधी को मॉर्निंग शो का होस्ट बना दिया। इनका शो जल्द ही हिट हो गया और रेटिंग में भी तमाम मॉर्निंग शोज में से सबसे आगे रहता, लेकिन फिर शाइस्ता लोधी से एक ऐसी गलती सरजद हो गई जिसकी वजह से इनको रातों रात चैनल से निकाल दिया गया और काफी अरसे तक शाइस्ता लोधी को अंडरग्राउंड भी रहना पड़ा। हुआ कुछ यूं कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि मॉर्निंग शोज में सेलिब्रिटीज की शादियां करवाने का रिवाज है, एक दिन शाइस्ता ने शो पर वीना मलिक और असद खटक की शादी करवाई। शादी की रसूमात के दौरान सेट पर सिंगर्स ने लाइव बैठकर ये कलाम पढ़ा कि अली के साथ है जहरा की शादी। अब ये बात तो इंतहाई गैर मुनासिब थी ही कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो और साहबजादी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वीना मलिक और असद खटक से मिलाया जा रहा था, लेकिन इसके साथ ही शाइस्ता ने एक बहुत ही घटिया हरकत की। कलाम के दौरान वो जूते उठाकर लहराने लगी। ये सब कुछ हर मुसलमान शख्स के लिए नाकाबिले माफी था और शाइस्ता लोधी और जियो के खिलाफ FIR दर्ज हुई, जिसके बाद जियो को 15 दिन के लिए बंद कर दिया गया और शाइस्ता को चैनल से निकाल दिया गया। काफी अरसे के बाद शाइस्ता ने अपनी सफाई में इंटरव्यू दिया कि मुझसे वो सब कुछ चैनल ने जबरदस्ती कराया था और दो चैनल्स की लड़ाई में मैं वैसे ही फंस गई। नेक्स्ट है मोहसिन अब्बास। मोहसिन अब्बास बहुत ही टैलेंटेड स्टार हैं और ये एक्टिंग, डांसिंग और सिंगिंग सब में ही बहुत महारत रखते हैं। इन्होंने अपने कैरियर का आगाज मशहूर टीवी शो मज़ाकरात से किया और इस शो में इनको DJ के नाम से जाना जाता था और इनके गानों का सेगमेंट सबको बहुत पसंद था। इस शो के जरिए इनको फिल्मों और ड्रामों में काम करने का मौका मिला और इन्होंने कई सुपरहिट फिल्में और ड्रामे दिए, लेकिन अभी इनकी किस्मत का सितारा चमकना शुरू हुआ था कि इनका जवाल आ गया। हुआ कुछ यूं कि मोहसिन अब्बास की अहलिया फातिमा सुहेल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें इन्होंने इन पर कई इल्जामात लगाए और ये भी कहा कि मेरा शोहर मुझे मारता भी है और खर्चा भी नहीं देता और अपनी बात साबित करने के लिए तस्वीर भी पेश की। मोहसिन अब्बास ने भी अपने दिफा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ये सब इल्जामात झूठे हैं और ये भी कहा कि एक घिनौनी साजिश के तहत मुझे फंसाया जा रहा है, लेकिन किसी ने मोहसिन का यकीन ना किया और दुनिया टीवी ने बदनामी से बचने के लिए मुज़ाकरात शो से मोहसिन को निकाल दिया। इसके अलावा तमाम चैनल्स ने इनको किसी भी ड्रामे या फिल्म में काम देने से इनकार कर दिया। यूं मोहसिन का चमकता हुआ कैरियर यकदम बर्बाद हो गया। मोहसिन बार बार सोशल मीडिया पर आकर अपनी सफाई पेश करते रहे, लेकिन किसी ने इनकी बात का यकीन ना किया और वो कई साल तक बेरोजगार रहे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता काफी कोशिशों के बाद
आपको नए प्रोजेक्ट्स में वो कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट है फहद मुस्तफा। फहद मुस्तफा बिलाशुबा पाकिस्तान के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। ये ना सिर्फ छोटी और बड़ी स्क्रीन पर बल्कि लोगों के दिलों पर भी राज करते हैं। फहद मुस्तफा आज ड्रामों और फिल्मों के हीरो भी हैं और प्रोड्यूसर भी, लेकिन चंद साल कबल वो हम टीवी के मॉर्निंग शो जागो पाकिस्तान जागो के होस्ट थे। फहद मुस्तफा होस्टिंग तो वाकई ही बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन कुछ अरसा मॉर्निंग शो करने के बाद वो इसके कंटेंट से तंग आ गए। फहद मुस्तफा का कहना है कि मॉर्निंग शो का कंटेंट मेरे लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि कभी रंग गोरा करने के लिए टोटके बताने पड़ते थे और कभी सेलिब्रिटीज की शादियों पे शादियां करानी पड़ती थी और कभी मेहमान अदाकाराओं के साथ उल्टी सीधी गेम्स खेलनी पड़ती थी। फहद के मुताबिक ये सब इनके मिजाज के बहुत सख्त खिलाफ था, लेकिन चूंकि इन्होंने हम टीवी के साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, इसलिए मजबूरन उनको ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ा और 2 साल तक तो वो ये सब कुछ बर्दाश्त करते रहे। लेकिन उसके बाद उन्होंने ये फैसला कर लिया कि अब मैं ऐसी हरकतें करूंगा कि चैनल वाले तंग आकर मुझे खुद ही फारिग कर दें। और फहद मुस्तफा कहते हैं कि एक दिन मैंने मजबूरन शो से छुट्टी कर ली और सुल्ताना आपा ने मेरी पे में से इतनी बड़ी अमाउंट काट ली। मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा आया और मैंने ये तय कर लिया कि अब इस शो से मैं जान छुड़ा कर ही रहूंगा। और उसके बाद मैं शो पर कभी देर से जाता, कभी देर तक सोया रहता और कभी ऐसा होता कि आने वाले मेहमान मेरे शो को होस्ट कर रहे होते और मैं बीच में आकर उस शो को कंटिन्यू करता। ये बातें आखिर चैनल कब तक बर्दाश्त करता, और आखिरकार एक दिन चैनल ने तंग आकर मुझे इस शो से फारिग कर दिया। फहद मुस्तफा कहते हैं कि जिस दिन चैनल ने मुझे इस शो से फारिग किया वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे हसीन दिन था, क्योंकि इस दिन के बाद से मैंने अपनी एनर्जी और बेहतर जगहों पर लगाई और नतीजा आप सबके सामने है। आज इनकी कामयाबी की मिसाल नहीं मिलती। तो जहां बाकी लोगों को किसी शो से निकाला जाता है तो उनकी जिंदगी और उनका करियर बर्बाद हो जाता है, लेकिन फहद मुस्तफा का इस मॉर्निंग शो से निकल जाना इनके करियर के लिए सबसे बेहतरीन फैसला था। नेक्स्ट है सनम जंग। सनम जंग ने अपने करियर का आगाज एज ए वीजे किया और अपने बेहतरीन होस्टिंग स्किल्स की वजह से फहद मुस्तफा के मॉर्निंग शो छोड़ने के बाद हम टीवी ने इनको सिलेक्ट कर लिया। सनम ने कई साल खुशी खुशी ये शो किया और बकौल इनके ही कि वो कभी भी इसको छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मॉर्निंग शो के कंटेंट के बारे में तो आप सब जानते ही हैं कि कितना अजीब होता है। कभी अदाकारों की मासियों का कंपटीशन चल रहा होता है और कभी सस्ती रेटिंग हासिल करने के लिए वाहियात नाच गाना चल रहा होता है, लेकिन सनम ने रेटिंग की रेस में सबसे आगे निकलने के लिए ऐसा काम कर दिया कि अच्छे अच्छों को पीछे छोड़ दिया। इन्होंने अपने शो पर एक मेकअप कंपटीशन करवाया और ब्यूटिशियंस को ये चैलेंज दिया कि आपके सामने ये गोरी रंगत वाली लड़कियां बैठी हैं, आपने इनका रंग काला करना है बिल्कुल हबशियों की तरह और फिर इनका मेकअप करना है और जो सबसे अच्छा काला रंग करेगा वो जीत जाएगा। अब जाहिर है जिस तरह का ये बेकार चैलेंज था रिजल्ट भी वैसा ही आना था। जब ये शो ऑन एयर आया तो लोगों ने सोशल मीडिया पर एक तलका मचा दिया। लोगों का ये कहना था कि ये सिर्फ सस्ती रेटिंग हासिल करने के लिए काले रंग का मजाक उड़ाया गया है। इसके बाद ये शो सिर्फ चंद दिन ही चल सका। पहले तो सनम जंग को इस शो से निकाला गया और बाद में शो को भी बंद कर दिया गया और हम टीवी ने दोबारा कभी भी मॉर्निंग शो चलाने की हमाकत नहीं की। इस शो से फारिग होने के बाद सनम जंग ने ड्रामों में अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उनको कोई खास पसंद ना किया और एक के बाद एक ड्रामा उनका फ्लॉप हो गया। तो दोस्तों ये थे वो लोग जो अपने कैरियर के पीक पर थे और उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनके कैरियर पर इस कदर सवाल आएगा कि उनका कैरियर तबाह बर्बाद हो जाएगा। याद रखें दोस्तों, जब भी कभी आप किसी फिल्म ड्रामे या फिर किसी प्रोग्राम की होस्टिंग कर रहे हो तो किसी के कहने पर ऐसा प्रोग्राम या ऐसे अल्फाज ना इस्तेमाल करें जिससे आपकी इज्जत जिल्लत में बदल जाए और अपने कैरियर में फूंक फूंक कर कदम रखें, क्योंकि लाखों लोग आपको फॉलो कर रहे होते हैं और ये सोशल मीडिया का दौर है। आपकी एक गलत बात आपके गले का फंदा बन सकती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। सही वीडियो था, इंटरेस्टिंग था, बहुत कुछ जानने को मिला, कुछ कुछ फ़नी। मुझे तो शुरू में लग रहा था कि कुछ ज़्यादा फनी होगा, मतलब कि
बहुत ही घटिया मतलब अजीब हरकतें करी होंगी तो उनको ज़बरदस्ती निकाल दिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं था, कुछ लोग तो निकलना चाहते थे एंड कुछ को बहुत ही मजबूरी में मतलब ऐसी हरकतें हो जाती हैं, गलतियाँ सबसे हो जाती हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर चली जाती हैं, कभी कभी ऐसी गलतियाँ भी हो जाती हैं। दुलोदी की बात कर रहे थे, उनसे हो गई थी गलती, उसके बाद मतलब उसको जगह पर तो किसी किसी की किस्से तो इमोशनल हो गए कि वो ऐसा करना नहीं चाहते थे लेकिन उनका करियर बर्बाद हो गया। तो सही बात है कि फूक फूक कर कदम रखने चाहिए। फनी मुझे लगा एहसान का कि इतने बड़े स्टार हैं आज वो, लेकिन उन्होंने शुरू में बिना मर्जी के भी काम किया है और ऐसा करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को सहना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। तो बस गाइस, इस वीडियो में इतना ही। आप वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग।